कैलाश पर्वत एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई इससे बहुत कम है, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं। इस चोटी पर 7,000 से भी ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन आखिर क्या ऐसा रहस्य है जिससे कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाता है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उनके मन में अचानक बेचैनी होने लगी और उनके मन में सिर्फ यही आया कि यहाँ से लौट चलो। तो क्या यह शंकर जी का कोई चमत्कार था? क्या भगवान शिव नहीं चाहते कि कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़े? और क्या वास्तव में शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? आखिर क्यों है कैलाश पर्वत इतना रहस्यमयी? आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यों के बारे में। नंबर एक, कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा जाता है। धरती के दोनों ध्रुवों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीचों बीच हिमालय स्थित है और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पूजनीय नहीं है, बल्कि ये जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों की आस्था का भी केंद्र है। ये सभी लोग कैलाश पर्वत को अपने अपने धर्म से जोड़ते हैं। नंबर दो, कैलाश पर्वत को पिरामिड नुमा कहा जाता है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। आइए बात करते हैं रहस्य नंबर 3 की। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर चढ़ना निषेध बताया गया है, लेकिन 11वीं सदी में एक शख्स ने इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। वो एक तिब्बती बौद्ध योगी था जिसका नाम था मिलारेपा। ये रिपोर्ट रशिया के वैज्ञानिकों ने दी जो कि यूएन स्पेशल मैगजीन में छपी थी। ये रिपोर्ट जनवरी 2004 में प्रकाशित की गई। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और इसीलिए ये भी एक रहस्य है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से डमरू और ओम की ध्वनि आती है। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको एक आवाज निरंतर सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यही आवाज डमरू या ओम की ध्वनि के जैसी हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं रहस्य नंबर 5 की, आसमान में लाइट का चमकना। कैलाश पर्वत के संदर्भ में एक दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ये सब घटनाएं होती हैं। उनका कहना है कि यहाँ का चुंबकीय बल आसमान में एकत्रित होकर ऐसी कई विचित्र चीजों का निर्माण कर सकता है। कैलाश पर्वत वास्तव में दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसके बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। यहाँ इन रहस्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आज तक इनमें कोई भी सफल नहीं हो सका है। कैलाश पर्वत के बारे में और भी ऐसे कई रहस्य हैं, इनकी बात हम अन्य वीडियोज में करेंगे। ये वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।